हाय गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। वेल, आई होप कि आपको मेरा पिछला दो ब्लॉग पसंद आया होगा। मेहनत तो कर रहा हूँ, रेस्ट, आई नीड योर ब्लेसिंग्स, सपोर्ट एंड यू नो। मैं आपको दिखाऊंगा कि पटना का मरीन ड्राइव दिखता कैसा है और क्या क्या चीज़ें हैं। सो गंगा नदी के तट पे एक तरह से बना हुआ एक मरीन ड्राइव है, मतलब यहाँ पर कोई समुद्र नहीं है, देर इज नो ओशियन, देर इज नो सी, गंगा नदी के बगल में है। आइए आपको टूर कराते हैं मरीन ड्राइव की और थोड़ा सा पटना को एक्सप्लोर करते हैं। आज मुझे थोड़ा बाहर जाना है, मैं सोचा ये आप लोगों को ये व्लॉग क्यों ना दिखाऊं। तो फिर चलते हैं। कीज ले लेते हैं। सो गाइस, मैं और भोला जा रहे हैं मरीन ड्राइव के तरफ और आज हम हैरियर से जा रहे हैं। देखते हैं, एक्सप्लोर कराते हैं आपको मरीन ड्राइव कैसा है पटना का। तो आप लोग भोला से मिले नहीं होंगे, मैं दिखाता हूँ भोला को। ये हाय बोलो। हाय। सो मिलते हैं और फिर मरीन ड्राइव को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। सनसेट दिख रहा है यहाँ से गाइस, थोड़ी देर बाद ना ये सनसेट बहुत प्यारा लगता है। जो दूसरा फ्लाई ओवर है ना, वहाँ के एकदम बीचों बीच आ जाता है और सन बहुत खूबसूरत लगता है, इट्स येलोइश ऑरेंज। सो एक्सप्लोर कराते हैं मरीन ड्राइव कैसा है। थोड़ा जाम मिलेगा और अभी अपने को डीजल भी लेना है, तो डीजल लेकर के फिर आगे चलते हैं। ये होम टाउन के ऊपर मेरा जिम है। के बाद मैं हमेशा डीजल का बिल लेता हूँ। सो एटीएम का स्लिप अलग है और डीजल का स्लिप अलग है। हमेशा डीजल का आपको रिसिप्ट या रिसिप्ट या जो भी इनवॉइस जो भी है बिल ज़रूर लेना चाहिए। बट आप अगर जब भी पेट्रोल या डीजल या कुछ भी सीएनजी एलपीजी या कुछ भी, एलपीजी तो वैसे नहीं है, मतलब कुछ भी चीज़ लें तो उसका बिल ज़रूर लें। सो ये जो ऊपर का फ्लाई ओवर देख रहे हैं ना, दिस इज़ अ वेरी लॉन्गेस्ट फ्लाई ओवर जो एक तरफ से एक डिस्ट्रिक्ट को दूसरे डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट कर रहा है और ये डायरेक्ट जाकर के जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उसका नाम है एम्स। प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाइए और पसंद आए या कुछ भी अगर बात कहना है तो फीडबैक में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपकी बात को सुनूंगा और जैसा आप कहेंगे वैसा मैं उस चीज़ को पूरा फुलफिल करूँगा। आ गए, पार्किंग में गाड़ी लगा दिया। चलते हैं, आपको एक्सप्लोर कराते हैं मरीन ड्राइव पे, कुछ चीजें दिखाते हैं। लेट्स कम। ये रेल ब्रिज है और इसके ऊपर आप गाड़ी भी चला सकते हैं। तो आप देखो, ये देखो, इधर से कोई एक आ रहा है, राइट? सो इस पे गाड़ी भी चलती है और साथ ही साथ ट्रेन भी पास होता है। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल, बहुत शांति है, बहुत पीस है। अब मैं आपको कैमरा मूव करके दिखाऊंगा और मैं सिटी को
तो बैक टू कार। अब थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगा ये रोड जो यहाँ से लेकर के गांधी मैदान तक फेज़ वन मरीन ड्राइव बन चुका है और उससे भी आगे फेज़ टू PMCH तक बन चुका है। सो आइए आपको कुछ रोड्स दिखाते हैं और फिर घर चलते हैं। और बस कोशिश किया कि आपको कुछ अच्छा दिखा पाऊँ और वे टू होम। यहाँ पे हमेशा ट्रैफिक होता है। आई होप कि आपको पटना का मरीन ड्राइव वाला व्लॉग पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, फीडबैक दीजिए और हाँ अपने पटना के फ्रेंड्स के साथ और तो और जो लोग पटना आना चाहते हैं उन सबको सारे लोगों को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन क्लियर, बाय।